हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक वेट स्केल मशीन को, जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट आता है, और इसमें देखने वाले हैं अपने को बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है और कैसी है ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी। ये ऑफलाइन परचेज किया था हमने, तो ये करीब करीब 700 रुपीज़ के आसपास हमारे को पड़ा था। वैसे ये मैंने खुद के यूज़ के लिए नहीं लिया है। ये वाली जो मशीन है ये ली है पापा ने अपने स्कूल के लिए, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दूँ एक बारी। यूट्यूब पे काफ़ी लोग सर्च करते रहते हैं ऐसी चीज़ें, तो इस वीडियो से क्या है कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को ढूंढने में और रिव्यू देखने में। तो ये है कुछ अपने पास ऐसी मशीन, जिसको खोल के देखते हैं गाइस। तो ये है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर ये तोलने के लिए देखो ये सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये इतना सा सिस्टम है, और ये पाइप देख रहे हो आप स्टील वाले, इन पे प्रेशर पड़ता है, उसके बाद है ये यहाँ पे मीटरिंग कर पाता है देखो। और अपने को मिलता है एक इसका यूज़र मैनुअल कह लो, जो कि चाइनीज़ में भी है, और चाइनीज़ बोलते हैं पता नहीं इसको कौन सी भाषा बोलते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता, जापानीज़ है और इंग्लिश में, दोनों में आपको मिलता है। तो बात करते हैं इस वेट स्केल मशीन की। तो भाई जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी रियलिस्टिक सा और मॉडर्न डिज़ाइन है इसका, और ये वाली जो मशीन है वो पूरी की पूरी डिजिटल है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी डिजिटल है। और इसका ये जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा ग्लास है, ना कि कोई प्लास्टिक है, ये ग्लास है गाइस। ये मशीन पूरा का पूरा 180 किलोग्राम का वजन सहन कर सकती है, तो इजीली इस पर हर कोई आदमी तोल सकता है। और इसमें पीछे जो है पीछे की साइड में बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अपने को दो छोटी छोटी बैटरीज लगानी होती हैं, और यहाँ पे एक पावर बटन होता है इसको ऑन करने के लिए। वैसे ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसमें जैसे ही प्रेशर डालोगे ये ऑन हो जाती है यहाँ पे। तो अभी इसका मैं आपको रिव्यू देता हूँ। अब डिजिटल होने के साथ साथ इसमें ये चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है कि इसमें पूरी की पूरी एक्यूरेसी मिल जाती है अपने को, एनालॉग में इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती। यहाँ पे कुछ सावधानी भी दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है आप इसके यहाँ पे एजेस पे ना खड़े हो, इससे ये ग्लास टूट सकता है। आप टॉप पर यहाँ पे पूरे खड़े हो, अपने दोनों पैरों को यहाँ पे रखें जिससे ये एक्यूरेसी दे पाए, नहीं तो यहाँ पे अगर आप साइड में खड़े हो जाओगे तो ये भाई मशीन टूट जाएगी, फिर काहे की एक्यूरेसी देगी। अभी जो है इस पर अपना खुद का ही वजन नाप के देखते हैं कितना अपना वेट है, और आपको भी दिखाते हैं। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, और बस अपने को करना क्या है, यहाँ पे खड़ा होना है और नॉर्मली इसको ध्यान से खड़ा होना पड़ता है गाइस। 68 मेरा वजन इस पे 68 आ रहा है। ये ऑटोमेटिक 00 भी हो जाता है उतरने के बाद में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। सो गाइस यही था इसका कुछ रिव्यू वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे रिव्यूज़ के। तो ये कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वैसे ये ख़रीदने लायक चीज़ है भाई। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।